Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 12, Indian Democracy. तो हमने अब तक देखा था कि इलेक्शन है, अगर कोई भी कंट्री वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रही है तो देयर इज अ इलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. तो हमने अभी तक हमारे भारत की बात की कि उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है पूरी वो चलती है, किस तरह से डेमोक्रेसी सिस्टम है वो चलती है. और अब यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है या फिर अगर हम वोट की बात करें या फिर हम इलेक्शन की बात करें तो उनपे इम्पैक्ट कौन डाल रहे हैं, इसके इम्पैक्ट जो डाल रहे हैं वो ऑप्शन क्या है, वो मीडिया कौन सी है. सबसे पहले हमने मीडिया देखी थी, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर है या फिर मैगजीन्स है, बुक्स है, जो इस पे इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से जो है लोगों तक पहुंचाती है, बिग मास तक पहुंचाती है, तो उसकी बात हम कर रहे थे. तो पीपल आर गिव डिफरेंट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द सेम इंफॉर्मेशन एंड दे डेवलप इंडिविजुअली डिवाइस इन ऑप्शन, यानी कि लोगों का अलग अलग मत वो अलग अलग तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सेम, मतलब उनके पास टॉपिक सेम है पर ओपिनियन उन लोग अलग अलग देते हैं. तो न्यूज़पेपर है या फिर मैगजीन है वहां पे वो अपने ओपिनियंस देते हैं, लोग मत देते हैं. इट इज एसेंशियल दैट द ऑप्शंस क्रिएटेड आर थ्रू फेम एंड द अनबेस्ड. इफ द प्रिंट मीडिया प्रेजेंट बेस्ड और फ्लैश डिटेल्स देन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ फेल्स पब्लिक ओपिनियन. इट इज एब्सोल्युटली absolutely essential to have a freedom of press so that the false public opinion is not created by the presenting only achievements of the government and the thereby hiding the false failure and the shortcoming of the government. Ours is the diverse nation and the terms of languages, cultures and the religion where it is. The religious newspaper are much sought after the cooperating religions, corresponding religions. Religions are in newspaper, then they have a immense contribution than the cultivated public option. Opinion of print media and they has a failed in the cultivated public opinion in the countries and the religions having a less literary rates in spite of these various organizations. Industrial groups and the political parties publish their own diaries or periodicals owing to the influential extent by the print material. The government also publishes various periodicals and its issue providing the important information. So in this para उन्होंने कहा है कि जो हमारे सारे ये हमारे जो न्यूज़पेपर है या फिर कोई भी ऐसा माध्यम है प्रिंट माध्यम है तो उसमें जो है लोगों के पूर्वाग्रह या फिर उनका अभिप्राय या फिर उनकी कोई भी चीज लोक मत दिया जाता है और उनके अभी उनके जो पूर्वाग्रह है कभी कभी वो कुछ गलत तरह से भी वो मतलब नेगेटिव व्यूज भी देते हैं तो उनसे ये क्रिएट नहीं होता है हमारी जो पॉलिटिकल जो है पार्टी पॉलिटिकल जो भी या फिर सिस्टम है गवर्नमेंट सिस्टम तो उनको निगलेक्टेड भी किया जाता है कभी कभी पर कभी कभी वो असर भी जो है डालती है इन पे इफेक्ट डालती है पॉलिटिकल पार्टीज पे इफेक्ट होता है इसका जो इलेक्शन में खड़े हैं उन पे भी इफेक्ट होता है तो लोकमत खड़ा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है तो उनकी जो निष्फलताएं हैं खामियां हैं भूल हैं वो सब कुछ जो छिपाने मतलब छिपाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं वो न्यूज़पेपर में आ जाता है या फिर या कोई भी ऐसी चीज है जिसके माध्यम से वो उन्हें पब्लिक के सामने जो है प्रेजेंट होता है. और अगर हमारे इधर बात करें भारत देश की तो हमारे देश में भाषा संस्कृति रिलीजियस बहुत सारे हैं धर्म बहुत सारे हैं तो ये सारी चीजों का भी इफेक्ट जो है इलेक्शन पे पड़ता है थोड़ा बहुत. कभी कभी क्या करते हैं कि लोग हैं वो आकर्षित करने के लिए लोगों को कैंडिडेट्स हैं या फिर पार्टीज हैं तो वो लोगों को आकर्षित करने के लिए उनके धर्म कि भाषा कल्चर उन सब को अलग अलग तरीके से जो है रिप्रेजेंटेटिव
क्यों करते हैं, इस वजह से उनको अलग ही क्रीड की ओर धर्म से देखकर उनकी धर्म को अगर प्रचार करते हैं प्रसार करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि उस धर्म के लोग जनरली उनसे प्रभावित होते हैं और जो है गलत जो है लोगों को वोट दे देते हैं कभी कभी लालच के कारण, ग्रीड के कारण। सो ये नहीं होना चाहिए। वी आर भारतीय, मतलब कि वी आर इंडियन, हमें सिर्फ एक इंडियन की हैसियत से जो है वोट देना चाहिए, ना कि किसी धर्म में या कल्चर एज उसको देख के या फिर कोई ऐसी चीज देख के वोट करना चाहिए, हमें सही कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज द वेरी पावरफुल मीडिया इन दिस प्रेजेंट टाइम, जैसे कि हम सब देख सकते हैं मोबाइल्स हैं या टीवी है, रेडियो है, ये सारे जो है इलेक्ट्रिक्स जो है मीडिया में आते हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया लाइक द रेडियो, टेलीविजन एंड द सिनेमा एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट इन द कल्टिवेशन पब्लिक ओपिनियन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज द मोर इफेक्टिव इन द रिलीजन ऑफ द लोअर लिटरेसी रेट्स। It is seen that the radio and the television are the considered far more important than newspaper and the periodicals. Like telecast of the incidents occurring nationally as well as internationally can be easily made available through the medium of a radio and the television. A public opinion can be created through the serials, drama and the movies, which can be helped portrays and the socio-economical as well as the other problems like untouchability, dowry, exploitations and the poverty in the entertaining manner। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को इस वे में दिया जाता है न्यूज या फिर इंफॉर्मेशन कि उन्हें एक तरह से एंटरटेनमेंट भी मिले और दूसरी तरह से वो बोर ना हो और पूरी इंफॉर्मेशन भी दी जाए। तो जैसे कि मूवीज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, तो वो एक जो है एंटरटेनमेंट का जो पार्ट है। बट कितनी सारी ऐसी मूवीज हैं, कितने सारे ऐसे ड्रामास हैं, कितने सारे ऐसे सीरियल्स प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें मेन थीम है वो इससे लगती होती है, मतलब कि हमें जो रियलिटी है वर्ल्ड की वो दिखाने के लिए या फिर कभी कभी जो है इनडायरेक्टली हमें बोलने के लिए भी हमें बहुत कुछ जो है एंटरटेनमेंट के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम बहुत सारी जो मूवीज है इनको देखें तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देती है साथ में। आगे देखें तो इन टूडेज वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम द टेलीविजन द अराइवल एंड द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट हैज हेल्प्ड पीपल टू एंजॉय न्यूज सीरियल्स ड्रामाज एंड मूवीज सिटिंग कंफर्टेबली इन देयर होम्स। ऑल दिस मीडिया कैन क्रिएटेड एंड एडवर्स इफेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस distorted, obscene and the violence information. Hence, it is essential to the mention and the controlled transmission of a harmful content through these important mediums. Anti-democracy, it is a disable that the political parties and the NGOs protest against the various obscene options and the violence programs telecasted by the electronic media. Today, on the fast moving age of the technology, people can stay the constant touch with the each other through the media of internet, of smart cell and the exchange through as well as the ideas. Electronic media is the widely used to the cultivate public opinion. Television, radio, personalized radio, example FM, played especially role in the cultivated public opinion in the modern time। यानी कि हमारे यहाँ पे जो ये सारी चीजें आज आप अभी हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, लोग एक दूसरे के टच में बहुत इजीली हैं, रहने लगे हैं, उनको अपना ओपिनियन अगर किसी को देना है तो वो ट्वीट करते हैं, ट्विटर पे वो ट्वीट कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, अपनी जो थॉट्स हैं वो सोशल मीडिया के द्वारा बहुत बड़े मास तक पहुंचा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत जो है यूजफुल है वो, पर एक तरह से अगर हम देखें तो कहीं भी नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं उसके, तो हमें हमारी टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग करना चाहिए। और जो इस अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में या फिर इलेक्शन में, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे डिफरेंट पार्टीज को, एनजीओस को या फिर हमारे गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखना पड़ता है इन सारी मास तक ना पहुंचे ये सारी इन्फॉर्मेशन, या फिर उनमें अगर पहुंच जाती है तो बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारी
चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो मास और मीडिया है वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन देती है, पर हम किस वे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं और हमारा व्यू पॉइंट क्या है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। आगे हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम एंड द डेमोक्रेसी द पीपल एंड द गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइजिंग पेशेंस पेशेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेल्प्स टू ट्रांसमिट पीपल्स थॉट्स डिटेल्स टॉक्स टू द गवर्नमेंट एंड सिमिलरली हेल्प्स टू ट्रांसमिट डिटेल अबाउट द वेरियस प्लान्स एंड द अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। रेडियो कैन रीच एंड डिस्टेंस एंड टू रिमोट एरियाज बट एज इट इज द ओनली ऑडियो मीडियम इट हैज बीन लेस इफेक्टिव, यानी कि ऑडियो जो जनरली मीडियम होता है वो कम इफेक्टिव होता है, जबकि ऑडियो विजुअल जो मीडियम है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, लोगों के माइंड पे ज्यादा इफेक्ट करता है वो। टेलीविजन प्रोग्राम्स को भी एक्सपेंसिव एंड नेचर हैव गेन्ड मोर पब्लिक व्यू प्रिंट्स देन द रेडियो एंड द डेमोक्रेसी इट इज डिस्क्राइब डिसरेबल एट दैट पब्लिक ओपिनियन शुड बी अ कल्टिवेटेड सो as to a created to needs of the welfare of the nations. फिर types of democracy है, तो सबसे पहले types of democracy हमने जो दो medium देखे वो बहुत ज्यादा important है, आपको याद रखना है print media and the electric media, it's very important. फिर है types of democracy, तो various countries in this world, in the world have a democracy. This gives acceptance diversity within the various democracies of the different countries. Our country has been a parliamentary democracy system. In the country like the USA, there is the presidential parliamentary system. We shall see in the detail about the two types of democracies. Example, the parliamentary democracy and the presidential democracy. जैसे कि यहाँ पर democracy बहुत सारे types की है, तो यहाँ पे दो types की democracy के बारे में बात की है। सबसे पहले है parliamentary democracy जो हमारे यहाँ पे है इंडिया में, and the USA इसमें है presidentially democracy जो हम next video में देखेंगे। तब तक के लिए have a nice day, thank you and take care.